हमने वी राजकीय संकल्प के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि माननीय सुशील मोदी जी के नाम पर सामाजिक आर्थिक शोध संस्थान बनाया जाए। जब एनडीए की सरकार बनी और माननीय सुशील मोदी जी ने विधायक दल से इस्तीफा दिया तो संचालन कर रहे तो वही मीटिंग का मुझे अभी स्मरण है कि सुशील मोदी जी ने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार ने कोई पैदा लिया है न लेगा, और साथ ही नारा लगाया कि नीतीश कुमार संघर्ष करो, पूरा बिहार आपके साथ है। सुशील जी ने प्रतिपक्ष के नेता के चेयर से बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई कि आपने सरकार तो बना लिया लेकिन मेरा जैसा विपक्षी आपको नहीं मिलेगा। टाइप का रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हमारी उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की जोड़ी थी वह राजनीति के कैसा फलक है जिसको आने वाली पीढ़ी याद करेगा। तो सुशील मोदी जी के नाम पर अगर राज्य सरकार यह बनाएगी तो निश्चित रूप से सुशील मोदी की जो दोस्ती है वो जगजाहिर थी। किस तरीके से सुशील कुमार मोदी विपक्ष में भी रहे उसके बावजूद भी नीतीश कुमार कभी उन पर व्यक्तिगत तौर पर कभी हमला उन्होंने नहीं किया, हमेशा दोस्ती निभाई। लेकिन अब जब वो दिवंगत हो गए हैं उसके बाद जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने सदन के अंदर विधान परिषद में एक मुख्य मांग उठाई है। क्या वो मांग है उनसे जानते हैं। उन्होंने सुशील कुमार मोदी को लेकर आपने जो मांग रखी है विधान परिषद में, सरकार ने उसे कह भी दिया है कि ठीक है, लेकिन क्या है वो चीज़। माननीय सुशील मोदी जी बिहार की राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में सामाजिक और आर्थिक सवालों पर पक्ष और विपक्ष में रहते हुए जो प्रभावकारी भूमिका अदा की, हमने वी राजकीय संकल्प के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि माननीय सुशील मोदी जी के नाम पर सामाजिक आर्थिक शोध संस्थान बनाया जाए। और विमर्श का विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि नीतीश जी और मोदी जी की जो जोड़ी थी, अब वो लोगों को जानकारी नहीं है कि सुशील मोदी जी कैसे व्यक्तित्व के आदमी थे कि जनवरी 2022 में उनको इस बात की जानकारी हो गई थी कि मैं कैंसर रोग से पीड़ित हूँ, लेकिन केवल अपने परिजन, उनका जो चालक था और उनके निजी स्टाफ को ही जानकारी थी, किसी को जानकारी होने उन्होंने नहीं दिया कि मैं कैंसर रोग से पीड़ित हूँ। और 15 नवंबर 2020 को जब एनडीए की सरकार बनी और माननीय सुशील मोदी जी ने विधायक दल से इस्तीफा दिया तो संचालन कर रहे तो वही मीटिंग का मुझे अभी स्मरण है कि सुशील मोदी जी ने यह बयान दिया कि नीतीश कुमार ने कोई पैदा लिया है न लेगा, और साथ ही नारा लगाया कि नीतीश कुमार संघर्ष करो, पूरा बिहार आपके साथ है। और जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, सुशील जी ने प्रतिपक्ष के नेता के चेयर से बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बधाई कि आपने सरकार तो बना लिया लेकिन मेरा जैसा विपक्षी आपको नहीं मिलेगा। और जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन रहे, तो भाई नई पीढ़ी सुशील मोदी जी के व्यक्तित्व को जानती है, इसका तो एहसास है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में सामाजिक आर्थिक शोध संस्थान अगर उनके नाम पर बने तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि प्रस्ताव बहुत ही अच्छा है, उन्होंने कहा कि लिखित प्रारूप एक बना करके दीजिए। हमने सदस्यों से निवेदन किया है कि दलीय हित से ऊपर उठकर सब लोग इसमें हस्ताक्षर करिए और ये शोध संस्थान अगर बन जाएगा तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ काम होगा। नहीं, इससे पहले भी आप सुशील कुमार मोदी के बेटे से भी मुलाकात किया आपने, उनके बेटे भी जो है वो अच्छा बोलते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि सुशील कुमार मोदी के परिजन भी राजनीति में ऐसा? हमारी जहाँ तक जानकारी है उनके बेटे ने भी यह मंतव्य दिया कि पापा कहते थे कि तुम अपने नाम से जाने जाओ, मेरे बेटा हो इसलिए जाने जाओगे, हमारे बेटा हम सुशील मोदी के बेटा हो लेकिन तुमको अपने काम से जानना होगा। और हमको नहीं लगता है कि जहाँ तक जानकारी है कि राजनीति में कोई दिलचस्पी भी है। तो क्या मतलब जो शोध संस्थान की आप बात कर रहे हैं उससे क्या बेनिफिट क्या होना है? सामाजिक आर्थिक शोध संस्थान जब बनेगा तो बिहार के सामयिक सवाल, बिहार के सामाजिक सवाल, अब बिहार जैसे बाढ़ की त्रासदी झेलता है, बिहार के आर्थिक संसाधन कैसे विकसित हुए, कैसे आंतरिक राजस्व मेरा बढ़ा, कैसे जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होने का गौरव बिहार को मिला और देश में जीएसटी कानून लागू हुआ, कंज्यूमर स्टेट को क्या इसका लाभ होगा, इन तमाम बिंदुओं पर रिसर्च होगा। एक टाइप का रिसर्च इंस्टीट्यूट है और हमारी उम्मीद है कि माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी की जोड़ी थी वह राजनीति के कैसा फलक है जिसको आने वाली पीढ़ी याद करेगा। तो सुशील मोदी जी के नाम पर अगर राज्य सरकार यह बनाएगी तो निश्चित रूप से काबिले तारीफ काम होगा। चलिए बिल्कुल। तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी नीरज कुमार थे और
साफ तौर पर इन्होंने विधान परिषद में यह मांग किया है कि सुशील कुमार मोदी के नाम पर जो है शोध संस्थान बनाई जाए। अब देखना है कि आखिरकार सरकार इसको आगे किस तरीके से लेती है। हालांकि इस प्रस्ताव को जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा है कि बढ़िया है, लेकिन इसको लिखित तौर पर देने की मांग भी की है। देखना है कि आगे इसको लेकर क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।